जो वीडियो बनाने लग रहा है छोरा कुवारा देख ले और अजय अमित बोस का भाईचारा देख ले। राम राम जी, मैं आपका अपना अमित बोस नरवाना और वर्ल्ड में बजाना एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो पूजा के लिए आज 1 करोड़ का स्टूडियो देखने जा रहे हैं भाई, तो फिर चलते हैं। तो परसों हो गया इंदर है, हरी आ गया मनिंदर, क्या हाल लाडे भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया, बिल्कुल। घर परिवार है? बिल्कुल बढ़िया। तो उचाना रुके थे भाई तेल गलान खतर है, तो लाडले भाई मिल के जान छैन गए। अक्षेत्र कोई भी हो भाईचारा कम नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत बचा है और गले के चल रहा है। और ठीक हो भाई? घर ठीक है सारे? सारी वीडियो देखा भाई तेरी, बहुत बढ़िया वीडियो बना भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करे करो भाई, चारा भी मिसाल है भाई। थैंक यू भाई। तो क्या तेल गला आया है उचाना में? और मैडम तना गणपत के समोसे खड़ा जी नरवाना में। तो जी जींद मोटरसाइकिल रोक क्या बना है और जींद गला अपनी बहुत यादें जुड़ रही है, मित्र प्यारे भी हैं और वाह भी है। थैंक यू वेरी मच वाली। न्यूका मने नींद नहीं आंदी और वाह जींद नहीं आंदी। ओ भाई रील बनाने के लिए रुके हैं रास्ते में और बैकग्राउंड लोकेशन एक नंबर की मिल गई है, एक बार दिखाते हैं आपको। ये बात यहाँ पे बनाएंगे रील, क्योंकि यहाँ पे जिपड़ी भी खड़ी है, ट्रैक्टर भी खड़ी है और बैकग्राउंड भी ओसम ओसम भी एक नंबर का। तो रील होगी कंप्लीट, अभी चलते हैं। गुरमीत का चोट लग गई होती है। वाह जी बताओ जी, घंटा जूस पियो है भाई, क्या बात है, निडाना में तारी बाबी ने ले जाए रूस है, अरे मंगाया गंडा का जूस है, क्या बात है, पानी है। पानी कम है, बर्फ ज्यादा। मजा आएगा भाई। न्यूका 11 का रुतबा देख के कई हो गए एंटी, अरताऊ की मूछ देख के छोरी होगी सेंटी। जगह जगह जो है चाने वाले हैं जिगर के थल्ले, तो जूस पीवाने भाई मिल गए जाने छाने। कैसे भाई साहब? बढ़िया भाई, सब अपने सुनाओ। बढ़िया जी, कौन से गांव से हो भाई? निडाना गांव से। वाह जी वाह, ठीक है सारे? हां बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे व्लॉग बनाता भाई और हमारी ढेरों सारी शुभकामनाएं पूजा भाभी को, अमित भाई को। ला भाई पहली बार फॉर्च्यूनर चलाई है, कैसा लगा भाई? यो गच्चा मजा आया, फीलिंग एकदम तोड़ काटा भाई, जमानू धरती में उठा सिस्टम एकदम स्टॉप है। एंट्री करते ही जी ये हो गया स्विमिंग पूल है और ये हो गया मेन गेट है। ये देखो भाई 4 सिल्वर प्ले बटन है, 1 गोल्ड प्ले बटन। वाह जी वाह, इसके लिए काम करना है, 1 मिलियन कराओ भाई, जल्दी जल्दी ले आओगे भरा पे। ये नीचे जाके दिखाता हूँ दोस्तों आपको, 1 करोड़ का सेटअप है। तो ये खरीदने आए आज भाई, ठीक है, पूजा के लिए, तारी भाभी के लिए। अभी नीचे चलते हैं, तो लेट्स गो। यहाँ पे जॉगिंग मशीन रख रखी है एक साइड में। तो एक रूम ये है दोस्तों, फुल डेकोरेशन फुल सिस्टम एक नंबर हम बोले तो। और एक रूम ये हो गया, क्या बात है, एक रूम इस साइड हो गया दोस्तों। और ये देखो आप भाई, क्या बात है, चुकरदा लाइट है और फुली एसी 24x7 सारी सुविधाएं। तो अपने लाडले भाई और भाई हो ठीक है, घर परिवार है? वाह जी वाह, क्या बात है। तो 3 रूम ही हो गए भाई, आजकल वॉलपेपर आखिरी चल रहा है, जमाना बड़ा तेज चल रहा है। और ये हो गया रूम, सारा सिस्टम एक नंबर रख रखा भाई ने। तो भाई आज आपने बसंत जांगड़ा का स्टूडियो खरीद लिया 1 करोड़ रुपया का, और उसके उपलक्ष्य में मिठाई मंगवाई है भाई ने। तो ये अपने लाडले भाई, भाई जिगर के छल्ले अपने चाने वाले, और यही चीज बचती है, मान सम्मान बचता है। शुभ नाम बताओ भाई साहब। केशव, अपना शुभ नाम जी। विपिन खुराना। वाह जी वाह, और मेरा ठीक है सारे? सब बढ़िया, अपने सुनाओ। स्टेप तो करके दिखा यार, करते हैं सभी भाई आ चुके हैं भाई खुशी के मौके पे, सभी पत्रकार भाई इकट्ठे हो रहे हैं, लाडले भाई अपने। ये बात ये है जी, बसंत भाई का मकान है, अभी फैमिली से मिलने आए हैं। और ये प्लाट है, यहाँ पे देखो क्या कुछ प्रोजेक्ट होगा भाई, करोड़ों रुपया का। देखो भाई फॉर्च्यूनर ले आवांगे यहाँ पे कदे, टेम दे भगवान भाई, टेम टेम की बात है। ये लाडला भाई की है बसंत की, ये तो सेम सेम बाइक होगी भाई, सबका दिमाग हो चुका विचलित है, ये ले आवांगे चाय की चुस्की, मिट जाएगा उसकी। एक नंबर की जगह भाई, वाइब बड़ी गजब की है, टॉप क्लास में लड़ाका उठा एकदम। तो बसंत भाई जो स्टूडियो जो आपने गिफ्ट में दिया है नी, इसके लिए बधाई भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कांग्रेचुलेशन भाई। दया भी आगू कब है? पहली बात तो सुन ले, ये देखो ये गिफ्ट में देना बोलना ये तो है एक प्रैंक। अच्छा, वैसे ये सब कुछ आपका ही है मेरे भाई। एक तीनों दो शिकार कर गया भाई, मेरे लोग सारे प्रैंक करते हैं यार, देखो यार, बात आपका ही तो भाई। अमित वर्ल्ड में बजाना, धुआं उठाना, आग लगाना, तो भाई मचानी बिना धुएं और पटाखा के। अच्छा, आजकल जो मार्केट में एक्टिविटी चल रही है, अख भाई
बसंत भाई जो फेम के लिए, पब्लिसिटी के लिए या फिर कुछ व्यूज डाउन हो गए उन चीजों को क्षतिपूर्ति के लिए, तो ये जो ये वीडियो आने लग रही हैं, भाई पागल हो गया है, कुछ इस तरह की बातें होगी, तो बसंत इन चीजों बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? भाई बिल्कुल बताना चाहूंगा, देखो मैं ना एक मिशन में लगा था और मिशन को पूरा करने के लिए पागल होना जरूरी है जी। जब तक मिशन कम्प्लीट नहीं हो उस पागलपन में रहना जरूरी है जी। और फिर लोगों को पागल दिखना भी जरूरी है, पागल दिखाना भी जरूरी है, और जब मिशन कंप्लीट हो जाए पागलपन से बाहर आना भी जरूरी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा मिशन कंप्लीट हो गया भाई साहब, मैं पागलपन से बाहर आ गया, मुझे जो कंप्लीट करना था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई डिस्ट्रैक्शन मुझे मतलब डिस्ट्रैक्शन आए लाइफ में जी। तो ये मिशन क्या था भाई साहब? मिशन ये था जो न्यूक्लियर बम बना है, एटम बम हर देश के पास है जी। और लोगों की जो चेहरे से मायूसी आई हुई है, हर इंसान दुखी है, सब कुछ होते हुए दुखी है, भूख प्यास नींद जो लोगों की लाइफ से गायब हो चुका है वो वापस आने का टाइम आ गया है। जो 2050 का भविष्य है वो 2023 में चलेगा, 2023 में ही 2050 आएगा, यानी कि हम इतना आगे निकल जाएंगे। तो फिर आप ऐसा क्या करने वाले हो भाई जी? एप्लीकेशन है भारत सरकार के माध्यम से, हम ये एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं 15 अगस्त 2023 को जी। सभी को खुशखबरी मिलने वाली है, सब अपने अपने घरों में मिठाई बांटना, खुशी की लहर दौड़ उठेगी, चारों तरफ गूंजेगी आवाज। अच्छा, कई जने कह दें कोई एक बीमारी का नाम है जैसे, तो वो चीज जैसे आदमी आगे की सोचने लग जाए है, मतलब जो चीजें होती नहीं लाइफ में वो काल्पनिक पात्र को वो रियल बना लेता है, उसके बारे में क्या कहना चाहूंगा? बिल्कुल कहना चाहूंगा, देखिए हम ना अपने आस पास पहले देखिए आइडिया कहाँ से आते हैं, ये आइडिया मेरे को कहाँ से आया जी? मैंने फ्यूचर को देखा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मैंने फिर पास्ट में देखा पास्ट में क्या हुआ है और क्या हो रहा है लोगों के साथ, लोगों की जिंदगी में टेंशन किस चीज़ की, दुख मैंने सभी की लाइफ ऑब्जर्व की, वातावरण में देखा, वातावरण प्रकृति के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, सब कुछ देखा, वो मुझे आइडिया मिला विचारों से, आसपास के माहौल से, अपने एटमॉस्फेयर से। प्रकृति पांच चीज़ों से मिलकर बनी है, पूरा ब्रह्मांड इंसान भी पांच चीज़ों से मिलकर बना, जिसको बोलते हैं पंच तत्व, अग्नि आकाश पानी जल और आकाश, सब कुछ मिला के पृथ्वी वगैरह सब कुछ पाँच होते हैं, समझ गए, इनसे इंसान मिलता है। और जिस भी इंसान के पास ये पांच तत्व है वो इंसान आज अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा है, बाकी लोग जिंदगी काट रहे हैं। अभी जिंदगी काटने का टाइम नहीं, जिंदगी जीने का टाइम आ गया। इंटरनेट ने इंसानों को गुलाम बना दिया, अब गुलामी से बाहर आना है और इंटरनेट को गुलाम बनाना है। ये नहीं कि इंटरनेट जो चाहेगा, इंटरनेट को पहले पता चल जाता ना इंसान क्या चाह रहा है जी। अब इंसान चाहेगा इंटरनेट करेगा, उसको करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी जी। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो चीजें यहाँ पे AI सिस्टम है वो सारी लोगों को पता लग जाएगी पहले? हाँ, पहले ही 10 दिन पहले ही पता चल जाएगा इंसान को कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं कैसे बच सकता हूँ कुछ गलत होने से पहले, पहले सतर्क हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी, हर देश का निवासी। तो जो ये बात आप कह रहे हो, हाँ, आम आदमी को तो देखो समझ में आती नहीं, हाँ, 15 अगस्त 2023 को आप ऐप लॉन्च करने वाले हो, उस चीज के माध्यम से जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हाँ, वो चीजें आप उपस्थित करना चाहते हो समाज के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एक भारत की घड़ी आएगी, भारत खुद की घड़ी जी, और खुद का सॉफ्टवेयर होगा भारत का। तो वो जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम में इंप्लीमेंट करने में करोड़ों रुपए लगेंगे, वो कहां से आएंगे? देखो करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं, हल्का सा पैसा इन्वेस्टमेंट होना है, बता देता हूँ आपको जी। सब कुछ फैला हुआ है, सब कुछ डिजिटल हो रखा है, आप सबके अकाउंट बन रखे हैं डिजिटल, सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं जी, बस एक कनेक्शन करना हमें तो। अच्छा, कनेक्शन करने में कोई खर्चा नहीं है ना, देख लो भाई थोड़ा एक उस दुनिया में चल रहा है जो मतलब आम दुनिया का प्राणी को नहीं, हाँ। तो वो चीज है, चांद पर जाया हूँ मैं घूम के, चांद पर टूरिस्ट प्लेस बना है, मैं टूरिस्ट प्लेस पे विजिट करके आया हूँ कि चांद पे हो क्या रहा है, टूरिस्ट प्लेस बना है तो किस मकसद से बना है जी। एलन मस्क से मैं काफी इंस्पायर हूँ भाई साहब जी, मतलब एक होता है मोटिवेट है, एक होता है इंस्पायर, तो भाई इंस्पायर है। और परिभाषा देता हूँ मोटिवेशन की और इंस्पायरेशन की, क्या परिभाषा है जी? मोटिवेट हो, जब हम किसी से मोटिवेट होते हैं तब हमारे अंदर जुनून पैदा होता है जी। और जब हम इंस्पायर होते हैं तब हमारे अंदर जिद पैदा होती है, तो जिद कर रखी है भाई ने, और सपना पूरा करने की। बिल्कुल भाई बिल्कुल, सपना ये मेरा अकेले का सपना नहीं है, हर भारतीय का सपना है, ये सपना आपका भी है कि इंटरनेट की गुलामी से हम बाहर निकले। इंटरनेट आप खुद बताओ भाई, जब हम कुछ यूट्यूब पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, मान लो एग्जांपल के लिए मैंने आपका व्लॉग देखा, आगे मुझे आपका व्लॉग ही दिखाई देगा जी, उससे रिलेटेड दिखाई देगा कोई वीडियो, बिल्कुल देता है, इतना स्मार्ट कैसे हो गया इंटरनेट, कैसे समझने लग गया, कहीं ना कहीं हावी हो गया ना इंसान के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इंसान ने बनाया इंटरनेट को, इंसान ने बनाया उस रोबोट को, रोबोट हावी नहीं होना चाहिए। कल्याण भाई जो चीजें बताने लग रहा है ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि है नेक्स्ट लेवल का काम है, और
इंटरनेशनल लेवल का काम है, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड भाई, वर्ल्ड वाइड नाम हो रहा है अमित बोस निर्वाणा भाई साहब चारों तरफ। बेस्ट विशेस है भाई को फ्यूचर के लिए भाई, जो भी करे। और 15 अगस्त 2023 मिशन कंप्लीट हो गया भाई साहब, आज खुशी बना रहा बंदे, बम पटाखे उड़ाए। और लोगों को ये भी मैसेज देना चाहूंगा कि खुशी का खुशी जाहिर कैसे करें। जी बिल्कुल, देख मैंने बम पटाखे उड़ाए किस वजह से, एक इसका एक मैसेज देना था कि कोई भी खुशी हो ना बम पटाखों से एंजॉय नहीं की जाती जी, और बम पटाखों की जरूरत नहीं है जो ये लोग सब लेके बैठे हैं, समझ रहे हो। बम पटाखे में न्यूक्लियर बम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो खुश हो रहे हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है, एटम बम है। अरे भाई साहब खुशी किससे मिलेगी, मिठाई बांटने से, मिठाई बांटो, मिठाई खाओ, खुशी फैलाओ, फिर खिलाओ। तो भाई जो बात करे नहीं बात, एक मोटिवेशन लाइन और भाई साहब बिल्कुल पेश कर दूं, बिल्कुल दविघाती समीकरण वाली बात करा भाई, पकड़ो ले जी भाई, कैसी बात कर रहा हूं, बिल्कुल दविघाती समीकरण, दविघाती मैं समझ नहीं रहा यार, सारी तेरे समझ में आएगी बता दो यार, सारी समझवानी जरूरी नहीं होती, चलो कोई बात नहीं बाद में समझेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये चीज है भाई, और एप्लीकेशन जो भाई जो भी इनोवेशन करने लग रहा है, जो भी भाई ने रिसर्च चल रही है, जो भी है बहुत रिसर्च चल रही है, तैयार ढांचा तैयार करने लग रहा है, तैयार हो चुका, मिशन कंप्लीट हो चुका, सब कुछ कंप्लीट हो, मैं करेक्शन करना बाकी है अब, बिल्कुल बिल्कुल ये तो पास होना बाकी रह रहा है बस, हां ना अच्छी बात है भाई की दो मोटिवेशनल लाइनें, और ये भाई जो करते हैं मोटिवेशनल लाइनें भी भाई, बहुत पुराना तजुर्बा भाई का, 29.5 लाख इसके यूट्यूब पे हैं बसंत भाई के, और 42 लाख फेसबुक पे हैं, ऐसे ही नहीं बने बसंत, बहुत मेहनत करी, हार्ड वर्क करी जी, माफ करना जी, माफ करना भूलना होगा, जो हम बोल देते हैं ना किसी किसी को भाई सॉरी गलती होगी मेरे से, हाँ। ये बात भूलनी होगी, माफ करना भूलना होगा, बोलने की जो आदत हो गई है हाँ। वही याद रखना है जो करना है, क्या बात है, कोई टेंशन हो तो कोई टेंशन हो तो भी टेंशन नहीं लेनी है, इतना गहरा मित्र बनना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी और ना ही कॉम्प्रोमाइज करना है, लाइफ के साथ, लाइफ एक हवा का झोंका है, इसे जीना है। वाह जी वाह, आम आदमी को समझ में आया, ये उनको समझ में आया, इसका है जो आदमी कुछ काम के लिए, एक काम के लिए पागल है, और पागल लोग इतिहास रचते हैं हाँ, और हर इंसान को पागल बनना जरूरी है भाई साहब, एक और लास्ट बात, और किसी को रास्ते से नहीं हटाना जी, मैं नहीं चाहता किसी को रास्ते से हटाऊं जी, किसी को रास्ते से नहीं हटाना, खुद रास्ता बनाना है, और यही युवा को सिखाना है, भूल गए हैं से भी युवा खुद को, करना क्या था और कर कह रहे हैं, अभी जिंदगी बाकी है, ये भी याद दिलाना है, ये याद दिलाना है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बसंत भाई, थैंक यू सो मच भाई, छोटा भाई अपना हमेशा ही अपना तो गॉड ब्लेस यू भाई के लिए, थैंक यू सो मच, ऐसी तरक्की करता रहा भाई, जो भी करे सुख शांति के साथ, बिल्कुल भाई, मैं क्या चाहता हूँ हर इंसान का सपना पूरा हो, चारों तरफ खुशी की लहर हो, सुख शांति, भारत भी यही चाहता है, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं, पूरा संसार यही चाहता है कि सुख शांति हो, जो सुख शांति गायब हो गई ना वो वापस आते हैं, फीलिंग्स आते हैं वापस, जो फीलिंग गायब हो गई है, बिल्कुल भाई।